सो यार दोस्तों इस टाइम सैमसंग के जितने भी एफआरपी के लिए सेट आ रहा है उसको हम लोग फ्लेक्सीहब के जरिए एक से दो मिनट में आसानी से अनलॉक करवा ले रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि दोस्तों एक दो सेट आ रहे हैं जिसमें कंट्री रहा है, जिससे हम लोग ऑनलाइन अनलॉक करवा रहे हैं वो बोला है कि भाई इसमें कंट्री रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी चीज़ को बताने वाला हूँ भाई ये इरर क्यों आ रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है। दोस्तों इस वीडियो का आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में इसका मैं प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको फुल स्टेप बताते हैं कि आप दोस्तों इस टाइम जितने भी एफआरपी के लिए सेट आ रहे हैं उसको हम लोग सिंपली ऑन करके एमटीपी मोड में कनेक्ट करके फ्लेक्सीहब के जरिए आसानी से एक मिनट में एफआरपी अनलॉक करवा रहे हैं। बट दोस्तों कुछ सेट आ रहे हैं जिसमें हो रहा है कि भाई कंट्री आ रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि भाई आपके सेट में कंट्री आ रहा है जिसका आपका 150 से 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो भाई हम लोग कस्टमर को उतना पता भी नहीं चल रहा है और हम लोग का चार्ज ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग कस्टमर से उतना पैसा नहीं ले पा रहे हैं और कस्टमर भी देने में हिचक पिक कर रहा है। तो यार जब दोस्तों आप एक बार कस्टमर को बोल देते हैं भाई आपका इतना में हो जाएगा और फिर आप उससे बढ़ा के चार्ज करते हैं तो वो भी देने में थोड़ा वो करता है कि भाई आपने तो इतना बोला था अब आप इतना चार्ज कर रहे हैं, तो भाई वो नहीं समझेगा कि इसमें कंट्री आ रहा है कि क्या आ रहा है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसका आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, इसका दो सोल्यूशन है। इसका पहला सोल्यूशन है कि जैसे हम लोग पहले एफआरपी बाईपास करते थे सिम लगा के पिन लॉक लगा के या इजी सैमसंग एफआरपी के जरिए भी इसको आप आसानी से बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एफआरपी बाईपास करना अगर चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, किसी भी एक वीडियो को देख के आप एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। बट दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें आपका थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है करने में, माथा पच्चीसी करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं इसका फिर भी मैं वन क्लिक में एफआरपी अनलॉक कर लूँ तो दोस्तों इसका सेकेंड मेथड आता है, जो सेकेंड मेथड आता है वो है मैग्मा टूल। मैग्मा टूल में दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना रहता है, जैसे आप फ्लेक्सीहब में सिंपली फोन को आप ऑन करके कनेक्ट कर रहते हैं वैसे ही सिंपली इसमें भी आपको फोन ऑन करके ही एमटीपी मोड में कनेक्ट करना रहता है और आपको वन क्लिक में एमटीपी से आपका एफआरपी अनलॉक हो जाता है। तो यार दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई मैग्मा टूल क्या है, इसको कैसे रजिस्टर करना है, इसको कैसे बाई करना है, इसका कैसे क्रेडिट लेना है, तो सिंपली आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे आपको एक फुल वीडियो बना के दे दूंगा जिससे आपको अच्छे से पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। सो यार दोस्तों इस वीडियो में आपको इसी चीज़ को बताने वाला था, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।